शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों, कारक हम पढ़ रहे थे, इसमें कर्ता कारक और कर्म कारक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं करण कारक। करण कारक क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। देखिए, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। अब क्रिया में जो सर्वाधिक सहायक होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमा कलमेल लिखती, अब देखिए क्रिया की सिद्धि में ये होगी क्रिया, लिखती क्रिया होगी। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है, इसको सिद्ध करने में जो इसकी सहायता कर रहा है वही कर्म कारक होगा। रमा कलम से लिखती है, अब लिखने में सहायक कौन है? कलम है। रमा किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। तो ये जो यहां पर सहायक हो गया, ये आपका हो गया करण कारक। और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां कलम शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राम है, दुग्धे रोटी का खादती, राम है दुग्धे रोटी का खादती। सबसे पहले हम क्रिया पहचानेंगे, खाद धातु का रूप है खादती, तो ये यहां पर क्रिया होगी। अब खादती, राम दूध से रोटी खाता है, अब यहां खाने में सहायक कौन है? राम रोटी खा रहा है, अब रोटी खाने में सहायक कौन है? राम किससे खा रहा है? राम दूध से खा रहा है, तो दूध यहां पर इसका सहायक हो गया, यानी दूध इनकी सहायता कर रहा है, इसलिए ये सहायक होने के कारण ये हो गया आपका करण कारक। इसलिए यहां पर दूध शब्द में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान में हम देखते हैं दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात वहां हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। राजा विप्राय धनम ददाति। देखिए, राजा विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। अब संतोष को दान, यानी यहां पर दान देने का कार्य होता है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, ये कर्ता है
राजा, ये तो आप सभी को पता है कि राजा यहां पर करता है। अब दान के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहेगा, अब जिसको हम दान देंगे वही संतुष्ट होगा, तो दान यहां पर दिया जा रहा है ब्राह्मण को, दान दिया जा रहा है ब्राह्मण को, तो जिसको संतुष्ट करेगा उसकी अपादान संज्ञा होगी, अर्थात उसी शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहां मूल शब्द है विप्र, इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया विप्राय, इसलिए यहां पर इसकी होगी संप्रदान संज्ञा, इसलिए इसको कहा गया है संप्रदान का। श्यामेन मित्राय पुत्रकम् ददाति, श्याम मित्र को पुस्तक देता है। अब यहां पर देखो श्याम संतुष्ट किसको करना चाह रहे हैं, श्याम संतुष्ट करना चाह रहे हैं मित्र को। अब जिसको संतुष्ट करना चाहेगा करना, उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना। तो यहां पर हमने मित्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया मित्राय, तो ये हमारा हो गया संप्रदान का, संप्रदान। इसके बाद आप देखते हैं अपादान कारक, प्रथम होने पर अर्थात अलग होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। पृथक होने पर अर्थात अलग होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये मैंने आपको कार्यचिन्ह में भी लिखवाया था कि अलग होने के मध्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वृक्षा पत्राणी पतंती, वृक्षा पत्राणी पतंती, अलग होने पर जो स्थिर है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते किससे गिर रहे हैं, वृक्ष से गिर रहे हैं, लेकिन वृक्ष तो अपनी जगह पर स्थिर है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने पर जो स्थिर रहेगा वृक्ष यहां पर स्थिर रहेगा, तो इसकी होगी अपादान संज्ञा, अर्थात हम इसी शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। इसलिए वृक्ष यहां पर स्थिर है, इसलिए हमने इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए ये आपका हो गया अपादान कारक। और लेते हैं एग्जाम्पल मोहने ग्रामा आगच्छति, मोहने ग्रामा आगच्छति, मोहन गांव से आता है या मोहन गांव से आ रहा है, तो यहां पर अलग हो रहा है, मोहन किससे अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, तो अलग होने पर जो स्थिर है, अब मोहन तो अलग हो रहा है लेकिन क्या गांव अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, क्या नहीं हिल रहा है, गांव अपनी जगह पर स्थिर है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हो गई, इसलिए इस शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा था अपादान कारक। फिर हम लेते हैं, देखो संबंध कारक नहीं है लेकिन हम एग्जांपल तो उसके लिए लेते हैं, संबंध इसको कारक नहीं माना गया है, तो इसमें हमें ये देखना है कि संबंध होने पर संबंध में
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहने संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। मोहन संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो यहां संबंध हो रहा है संस्कृत का और पुस्तक का। अब इसका क्रिया से संबंध नहीं है, इसलिए इसको संबंध कारक नहीं माना गया। तो संबंध होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ी जा रही है, और देखो यहां पर कारकत्व भी आ रहा है कि मोहन संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो यहां कारकत्व भी आ गया कि, और संबंध भी हो रहा है, इसलिए हमने इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। और एग्जाम्पल, सीता कृष्ण से भक्त अस्ति। सीता कृष्ण से भक्त अस्ति, सीता कृष्ण की भक्त है, तो यहां पर संबंध हो रहा है कृष्ण का और भक्त का, इसलिए कृष्ण शब्द में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये था आपके संबंध जिसको कारक नहीं माना गया है संस्कृत में। अब जो अंतिम कारक आपके है वो है अधिग्रहण कारक। अधिग्रहण कारक क्रिया की सिद्धि में जो आधार है उसकी अधिग्रहण संज्ञा होती है। अधिग्रहण संज्ञा होने का मतलब है कि उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो आधार है उसकी अधिग्रहण संज्ञा होती है, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नृप है सिंहासने तिष्ठति, नृप है सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहां पर देखो कह रहा है कि क्रिया की सिद्धि में, क्रिया है तिष्ठति, क्रिया की सिद्धि में जो आधार है, अब बैठने का आधार क्या है, बैठने का आधार है सिंहासन, इसलिए लिखा गया है कि क्रिया की सिद्धि में अर्थात जो बैठना है उसमें जो आधार है कौन, सिंहासन, उसकी अधिग्रहण संज्ञा होगी, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और कारकचिन्ह भी आप देखेंगे पर का प्रयोग हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठता है, इसलिए ये जो सिंहासन शब्द है इसकी क्या हो गई, अधिग्रहण संज्ञा, और अधिग्रहण संज्ञा होने पर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। वयम ग्रामे निवसामहे, वयम ग्रामे निवसामहे, हम सब गांव में रहते हैं। अब देखो क्रिया की सिद्धि में क्रिया है निवसामहे, रहते हैं, इसकी सिद्धि में जो आधार है, अब कहां रहेंगे, रहने का आधार क्या है, रहने का आधार है गांव की, हम गांव में रहेंगे।
तो इसकी सिद्धि में जो आधार हो गया वो क्या हो गया, उसकी अधिग्रहण संज्ञा हो गई। और अधिग्रहण संज्ञा होते ही हम इसमें क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और यहां आप देख रहे हैं कि ग्राम शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया और साथ में यहां कार्यचिन्ह भी क्या आ रहा है, में आ रहा है, जो किसमें आता है, सप्तमी में आता है। तो ये था आपका अधिग्रहण कार्य। तो कारक हमारे कंप्लीट है, जितना कुछ बताया गया है इसका रिवीजन आप करते रहे और जितना वर्क आपको दिया गया है उसको आपको फेल नोटबुक में टाइम से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।